नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बमन कुंजल क्रिया। इसे हम कैसे करें, इसके लिए आपको मेरे पूरे वीडियो पर बने रहना पड़ेगा आपको। और आपको ज़्यादा लाभ लेना है तो आप इसे खुद करके ट्राई करिए और देखिए कि इसका आपको कितना लाभ मिलता है इस बमन कुंजल क्रिया से। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बमन क्रिया को सफर में, जैसे आप सफर में कहीं जा रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम बमन क्रिया को कैसे करें। जैसे कि मैं बता रही हूं आपको कि आज मैं खुद राजस्थान में आई हुई हूं, यहां पर मैं भी किसी होटल में रुकी हूं, लेकिन मुझे है कि आप लोगों को बताना है कि आप होटल में भी अपनी व्यवस्था कर सकते। सिर्फ आपको गुनगुना पानी लेना है और थोड़ा सा साल्ट आपको उसमें डालना है। किसी भी होटल में आपको ये मिल सकता है। अब हम चलते हैं कि बमन क्रिया को हम कैसे करें, किस प्रकार से करें और हमें लाभ मिले। कहा जाता है कि सफर में आप सफर करते हैं, बमन क्रिया को आप कर लेंगे तो आपकी थकान भी दूर होती है। जैसे आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, धूल से, मिट्टी से आपको एलर्जी हुई, किसी प्रकार की आपकी एलर्जी हो रही है, तो आप बमन क्रिया को करेंगे तो आप तुरंत फिट हो जाएंगे और फिर आप पूरे दिन आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस बमन क्रिया को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको सारी विधि मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। और उन्हें नहीं करना है जिन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है, गले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इन्हें न करें। और नॉर्मल हैं आप तो इस बमन क्रिया को करें और सभी प्रकार की एलर्जी को आप गायब करें। और आयुर्वेद के 3 दोष कहे गए हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों रोगों का निवारण है बमन क्रिया। दोस्तों, मैं अभी आपको करके दिखा रही हूं इस बमन क्रिया को। आप होता है कि अक्सर होता है कि कुकड़ू आसन में करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, आप कहीं हैं तो आप खड़े होके भी इन्हें कर सकते हैं और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि किसी सफर में होता है कि हम काफ़ी थक जाते हैं, धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, किसी भी प्रकार की, कितने लोगों को दूसरे बिस्तरों से एलर्जी हो जाती है, उनके लिए ये रामबाण है कि आपकी सारी एलर्जी खत्म कर दे, फिर आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे अपने आप को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने 1 ग्लास पानी लिया है, हमने सिर्फ गुनगुना किया है और थोड़ा सा हमने साल्ट को इसमें डाला है। हमने 2 ग्लास पी लिया। आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, आपके वजन को ये कम करता है, ये बमन क्रिया आपकी स्किन को ये स्वस्थ करता है। अब हम 3 ग्लास पानी पी रहे हैं। अब हमने 4 ग्लास पानी को हमने लिया है। क्योंकि ये छोटा ग्लास है, अब मैं 5वां ग्लास ले रही हूं। Oh.
अब हम दो फिंगर को अंदर करेंगे, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, प्रकार से बमन को कर लिया। जितने हमारे पित थे, कप थे, वो सारे बाहर हो गए। पित और कप के लिए बमन रामबाण आपके बाद दोस्तों का भी निवारण ये करता है इस बमन क्रिया। इसके इतने सारे फायदे हैं और आपको ज्यादा समय नहीं लगता है इस बमन क्रिया को कर। सिर्फ आप अपने लिए 10 मिनट निकालें, 5 मिनट में तैयार करें और 5 मिनट में आप इसको कर सकते। और आपके मैं बता रही हूँ, शरीर संबंधी जितने भी आपके रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहा गया बाल का झड़ना हो गया, स्किन संबंधी, एलर्जी संबंधी, आपको जितने भी प्रॉब्लम है, कब तो है आपका पाचन तंत्र, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही स्वस्थ होती है। हमारी 72,000 नाड़ियों पर भी प्रेशर पड़ता है। जब हम बमन करते हैं तो आपके पूरे बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए हमारी नाड़ियाँ भी स्वस्थ होती हैं इस बमन के। जब हम बमन क्रिया कर लेते हैं तो हमें सांसांगासन में जाकर हमें कपाल भाती करना चाहिए। बमन करने के बाद आपको बैठकर या बिस्तर पे कहीं भी, आप जब फर्श पे भी, आपको सांसांगासन करना है। और शशांक आसन में आप जब जाते हैं तो आपको कपाल भाती करना है। इस वह मैं बेड पे आई हूँ और हमें एक छोटा सा टॉवल हम इसे बिछाएंगे इस प्रकार से। ये हमने छोटा सा टॉवल हमने बिछा दिया और हमें शशांक आसन में हमें जाना है। शशांक आसन में सिर्फ हमें कपाल भाती क्रिया को करना है और अपनी जो हमारी नाभि है, जो है ये हमारी नाभि है मणिपुर चक्र, इस पे हमें प्रेशर देना है। जो आपके बलगम है नोज के द्वारा वो बाहर निकल जाएंगे आपके। चलिए शशांक, ये इसमें शशांक आसन में होता है कि हम ब्रज आसन में बैठते हैं ऐसे, और दोनों हैंड हमारा आकाश की तरफ जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर हमें ऐसे मूव देते हुए डाउन होना है। अब हम शशांक आसन करेंगे। रिलैक्स, जो थोड़ा बहुत कफ होता है वो आपका निकल जाता है, आपके बलगम निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए हमें रिलैक्स करना चाहिए। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, बमन करने के बाद आपको तुरंत कोई चीज नहीं खानी चाहिए। कम से कम आपको आधे से एक घंटा आप समय लें और गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। चलिए हम शवासन में अब लेटते हैं। अमन ही मन आप अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने खुदा का आप ध्यान करें तो आपको काफी रिलैक्स होगा। ओम चैटिंग भी कर सकते हैं आप, योग निद्रा भी कर सकते हैं तो आपको डबल लाभ मिलेगा। आप अपने शरीर को 100 के समान समझें। हमारा शरीर 100 के समान हल्का महसूस करे पूरे बॉडी में आप अपने आप को। रिलैक्स।
ये तो हमने आपको बता दिया। आप मेरे चैनल को प्लीज, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी आप दबाएं ताकि हमारी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे तुरंत अपने मित्रों में फॉरवर्ड करें। आपको मेरा चैनल जरूर पसंद आएगा। नमस्कार।